गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिफ्थ चैप्टर कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ये एक लास्ट चैप्टर है तो देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है आपका मीन्स दो सबस्टांस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम मीन्स वो सबस्टांस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को बहने नहीं देते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंसुलेटर एग्जाम्पल रबड़ वुड एंड प्लास्टिक नाउ सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड अर्ध चालक क्या होता है दो सबस्टांस विच रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर स्टूडेंट सेमी कंडक्टर क्या होता है कि ये ना तो ये पूरा कंडक्टर होता है ना ही ये पूरा इंसुलेटर होता है एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सिलिकॉन और जर्मोनियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए आपका कंडक्टर क्या होता है दो सब्स्टांस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम वो पदार्थ जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को बहने देते हैं उसे हम क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर एलूमिनियम नाउ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी फॉलोइंग्स प्रॉपर्टी आप लोग स्टडी करोगे क्या क्या है देखिए सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कंडक्टर के अंदर जीरो होती है तो देखिए हमारे पास क्या है हमारे पास दो प्लेट है कैपेसिटर की जिस पर एक प्लस का चार्ज है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो स्टूडेंट्स देखिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ और ये आपका ई पी इज द इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव ओके तो स्टूडेंट्स देखिए मीन्स वैन कंडक्टर इज इन यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं टू टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इक्विब्रियम ड्यू टू पोलराइजेशन विच कैन कैंसल द चार्ज हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज ज़ीरो क्या कहता है कि जब कंडक्टर रखा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं बहते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट की तरफ इन इक्विब्रियम इक्विब्रियम में ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण विच कैंसल करते हैं चार्ज को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज जीरो सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स क्या कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मीन्स हमारे पास क्या है ये कोई एक आपका सरफेस एरिया है जिसके सरफेस के ऊपर आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज करता है ये आपका इ e कॉस्थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका टोटल चार्ज है तो क्या हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा इंटू डी एस अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है आपका नाइन्टी डिग्री है तो कॉस्ट नाइन्टी क्या हो जाएगा जीरो और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जी जीरो तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये जस्ट आउटसाइड होता है कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के और इसमें हम आप लोग जो थीटा की वैल्यू वो नाइन्टी लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो जो नेट चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है जीरो होता है आपने पढ़ा होगा गोशन सरफेस के अंदर आपका जब आपका कोई चार्ज किसी गोशन सरफेस के अंदर हम काउंट करते हैं तो वो जीरो होता है यानी Q इज इक्वल टू जीरो तो आपका E इज़ इक्वल टू जीरो देन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई नॉट जब क्यू बराबर जीरो हो जाएगा तो ई e नॉट भी आपका जीरो हो जाएगा आपका और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा अब देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम आपका फोर्थ पॉइंट की द चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है जो चार्ज होता है वो हमेशा सर्फ कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है और इनसाइड में क्या होता है ये केवल जीरो होता है इज दैट क्लियर दीज आर द बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है देखिए इट इज द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्रेजेंट एट द इक्ल एंड अपोजिट फेसिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एट द इक्वल और अपोजिट फेसिस पर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो प्लेट है कैपेसिटर की एक कंटेंस करती है पॉजिटिव चार्ज और एक कंटेंस करती है नेगेटिव चार्ज और एक स्लैब रखी हुई है जिस पर आपका क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है अब इसमें क्या है ई नॉट क्या होता है जो मूव करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ईपी इंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये इी इज द इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि स्लैब के अंदर होता है तो स्टूडेंट्स अब देखिए नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवेन बाई नॉट इज इक्वल टू सिगमा अपॉन में ई नॉट इक्वेशन बिकम फर्स्ट एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवेन बाई वल टू सिगमा पी अपन में ई नॉट इक्वेशन बिकम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवेन बाईज टू नॉट माइनस में आपका ई पी तो आपका क्या हुआ हमने अपोन में ई नॉट माइनस में सिग्मा पी अपन में ई नॉट देन ई नॉट आपका एल्शियम आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी देन ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस में सिग्मा पी अपन में ई नॉट दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शील्डिंग में क्या होता है देखिए हमारे पास हमारे पास एक रीजन होता है ठीक है जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस मूव करती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ठीक है तो जो प्रोटेक्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो देखिए क्या होता है इट इज द फिनोमिना विच मेक्स द फ्री रीजन यह फिनोमिना होता है जो बनाता है फ्री रीजन को फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड से इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होता है देखिए इट कीप द सेफेस्ट टू इनसाइड द कार यह सेफ रखता है हमें कार के अंदर रादर देन नियर ए ट्री या पेड़ के पास से या फिर आपका ओपन ग्राउंड से क्योंकि बिकॉज द मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार बिकम्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो मेटेलिक बॉडी होती है कार की वो बनाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम द लाइटिंग से दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज भी हम इसके एप्लीकेशन के रूप में करते हैं कार के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है टू एबिलिटी स्टोर द स्टोर द चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस या इसका ओल्ड नेम होता है कैपेसिटी चार्ज की क्षमता को स्टोर चार्ज की को स्टोर करने की क्षमता को कंडक्टर के अंदर क्या कहलाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तो क्या कहते हैं क्यू इज द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा और अगर चार्ज को जब हम इसको हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन को तो चार्ज इज इक्वल टू होता है सी वी

कैपेस्टेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर तो देखिए हमारे पास क्या है कंसिडर एक स्पीयर है लेट ए सेंटर पॉइंट ओ है विच कंटेन्स द चार्ज क्यू विद रेडियस आर तो देन हमारे पास क्या हुआ नाव द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवेन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई ई नॉट क्यू अपॉन में आर इक्वेशन फर्स्ट बट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी इक्वल क्या हो गया इस वी की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया देन क्यू अपॉन में वन बाई फोर पाई एपसाइल नॉट इन टू क्यू अपॉन में आर क्यू से क्यू कैंसिल हो गया देन सी इज इक्वल टू फोर पाई ई नॉट आर दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कि यदि हम किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं और उसकी कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं समझिए मेरी बात यदि हम किसी भी कंडक्टर कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं और कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं देन व्हेन द चार्ज कीप कांस्टेंट मीस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में भी ये क्या है आपका सी फोर चार्ज है क्यू फोर hmm.